हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसी का फिल्टर कैसे साफ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं ये इसका जो ढक्कन है ऊपर वाला, ये बाहर की ओर निकालूंगी और अंदर से ये फेल्ट फिल्टर जो है वो निकाल लीजिए। अब हम चलेंगे बाथरूम में। सबसे पहले हम इसको जो फिल्टर है वो ऐसे धीरे धीरे ब्रश से झाड़ लेंगे। इसे पानी से साफ कर लेंगे। ऐसे इसको हर एक फिल्टर को अच्छे से साफ करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा साबुन भी लगाएंगे। पानी की धार बराबर ऐसे लगाते रहना है जिससे इसका जो कचरा आ गया है बीच में वो अच्छे से निकल जाए। मेरा दूसरा वाला दे रहा हूँ। अब हमें ये एसी का जो फ्रंट कवर है इसको भी पहले पानी से धुलना है। देखिए, ऐसे हमें पानी से इसको अच्छे से साफ करना है। इसमें गर्दा जो लगी हुई है अब हमने इसे पानी से धुल लिया है। अब हमें इसमें साबुन लगा करके और ब्रश की हेल्प से बीच बीच के जो खांचे हैं वो हमें अच्छे से इसको साफ करना है। हमारा एसी का जो ये टॉप कवर है ये भी साफ हो चुका है और एसी का जो ये फिल्टर है इसे भी हमें एक बार अच्छे से साफ कर लेना है। पानी से जो इसमें सर्फ लगा होगा वो धुल लेना है। अब ये हमारा एसी का फिल्टर और जो कवर है ये धुल गया है। अब इसे हमें अच्छे से सुखाने के लिए 5 से 10 मिनट रख देना है जिससे इसका जितना पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए। अब जब तक हम अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, बीच में देखिए एसी के जो फिन्स हैं इन्हें भी हमें अच्छे से साफ करना है एक कपड़े की सहायता से। बीच बीच में जालियों में देखिए काफी इसमें गर्दा हो जाती है तो वो भी हम इसे क्लीन कर लेंगे। अब ये हमारा एसी का फिन्स जो है वो साफ हो चुका है। हमें ये फिल्टर को अंदर सेट करना है। देखिए ये जो इसकी लॉक इन पिन है ये टिक टैक करके बोलेगा और ये हम इसको ऐसे करके सेट कर देंगे। ये देखिए बस हमारा एसी का फिल्टर जो है वो क्लीन हो गया। ये देखिए देखिए ये हमारा एसी बिल्कुल साफ हो गया है। अब एसी साफ होने से हमारा जो लाइट का बिल है वो भी बहुत कम आता है और इससे ठंडी हवा भी आना शुरू हो जाती है। जब हमारा एसी गंदा होता है तो फिर हमारा एसी ज़्यादा ठंडा नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।